जर्नी का तीसरा दिन और आज मैं हूँ सिटी पैलेस। कई सारे मेवाड़ डायनेस्टी के जो राजा थे उनके कंट्रीब्यूशन से मिलके बना हुआ है। जो उदयपुर है, उदयपुर के टॉप हिल पे बना हुआ है, क्योंकि उदयपुर जो है वो सिटी ऑफ लेक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं। और वैसे ये कई जो स्ट्रक्चर जो सिटी पैलेस का जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये कई टुकड़ों में बना हुआ है, क्योंकि कई राजाओं ने बीच बीच में छुड़वाया, फिर उन्होंने अपने नाम से कुछ बनवाया, फिर उन्होंने अपने नाम से कुछ बनवाया। तो कई ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सिटी पैलेस का, ये कई राजाओं ने बनवाया, अलग अलग स्ट्रक्चर का है, तो ये कई पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। जो कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई थी वो 1553 में शुरू हुई थी, और इसके बिल्कुल जस्ट पीछे ही लेक पिछोला है, मतलब जो अपोजिट साइड जो फ्रंट व्यू है वो इसका, वैसे तो लेक पिछोला की साइड से फ्रंट व्यू है जो देखने वाली चीज़ है। वैसे तो उदयपुर के अंदर काफ़ी सारी लेक्स हैं, लेक पिछोला है, फतेह सागर लेक है, जयसमंद लेक है, राजसमंद लेक है, उदय सागर लेक है, तो कई सारी लेक हैं, लेकिन जो बेसिकली जो काफ़ी बड़ी बड़ी लेक्स है वो लेक पिछोला और फतेह सागर लेक है, ये दो जो हैं वो काफ़ी बड़ी लेक्स हैं। तो इसी के अंदर बोटिंग होती है उदयपुर के अंदर, यही मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के, ट्रैवलिंग के लिए अगर आप आ रहे हो उदयपुर, या देखने के लिए आप घूमने के लिए उदयपुर आ रहे हो, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये देखने के लिए घूमने के लिए। बट ये अगर आप 7 बजे से पहले पहले अगर बोटिंग कर लेते हो तो आप फ़ायदे में हो, अदरवाइज़ आपको 7 बजे के बाद अलाउड नहीं करते, ये लोग बंद कर देते हैं बोटिंग करना, क्योंकि ये पैसेंजर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितने पैसेंजर हमारे पास अवेलेबल हैं जो बोटिंग करेंगे, तो इनकी जब बोट फुल हो जाती है उसके बाद ही ये बोट को आगे चलाते हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप 7 बजे से पहले पहले बोटिंग कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। उदयपुर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो, एक तो लेक पैलेस है, जग मंदिर है, जगदीश टेंपल है, मॉनसून पैलेस है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अरावली रेंज के ऊपर बना हुआ है, तो आपको यहाँ से जो व्यूज़ देखने को मिलेंगे ना, व्यू जो देखने को मिलेगा उदयपुर सिटी का, वो तो बिल्कुल ही अमेजिंग है। अच्छा, स्कूटी आप यहाँ से हायर कर सकते हो, कमर्शियल स्कूटीज़ यहाँ पर मिलती हैं जो आप अपने इधर उधर घूमने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, तो जो कि इनके चार्जेस हैं 500 रुपये लेते हैं फुल डे के, और 300 रुपये लेते हैं ये हाफ डे के, तो आप उस वो भी ऑप्शन अच्छा है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो।